लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो हेलो इंस्पेक्टर सूरज स्पीकिंग। हेलो मैं विजया बोल रही हूँ। हाँ हाँ कहिए। आपने अपने भाई के बारे में कुछ किया या नहीं? भाई हाँ हाँ भाई आज ही घर आया है। मैं इस मामले में जरूर सवाल करूंगा, उससे छोड़ूंगा नहीं। वैसे मौका भी अच्छा है, माँ घर पर है नहीं, बेंगलोर गई हुई है। बाय एनी चांस आप मेरे घर की तरफ से गुजरने वाली है क्या? तुम चाहते हो कि मैं आऊँ? नहीं नहीं यही कह रहा था। अगर तुम चाहते हो तो मैं आ सकती हूँ। नहीं अगर आप उस तरफ से गुजरने वाली हो तो मोस्ट वेलकम, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। बाय बाय भाई। गुंडा, तूने उस लड़की को क्या समझ रखा है जो आते जाते उसे छेड़ता है, उसे सताता है? नहीं भैया, मैं उसे सताता नहीं, मैं उसे छूकर जल जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो लड़की नहीं, इश्क की आग है, मोहब्बत का शोला, प्रेम की चिंगारी, इसीलिए तो मैं उसे अपनी आगोश में लेना चाहता हूँ। चुप बदतमीज। अरे दो जूते खाएगा तो खोपड़ी ठिकाने पर आ जाएगी। अरे शुक्र मना भगवान का कि उसने उस लड़की को बड़ा दिल दिया, अगर कोई और होती तो तुझे कभी नहीं बख्शती, कमिश्नर से कंप्लेन करवा कर तुझे लॉकअप में उल्टा लटकवा देती। अरे दिल देख उसका दिल। भैया उसी के दिल ने तो मुझे घायल किया है, एक तरफ उसका दिल सागर की तरफ विशाल है तो दूसरी तरफ फूल की पंखड़ी की तरह नाजुक, एक तरफ आकाश से ऊंचा है तो दूसरी तरफ पाताल से नीचा। शट अप। तू क्या जाने दिल के बारे में, तू क्या समझे कि दिल किस चिड़िया का नाम है? मैं तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तूने उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ा तो मैं तुझे जेल भिजवा दूंगा। अरे भैया जेल क्या, आप मुझे उबलते हुए तेल में डलवा दो, फांसी चढ़वा दो, तलवार चलाकर एक ही वार में धड़ से अलग कर दो मेरे शरीर को, मगर फिर भी मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उसका पीछा करता रहूंगा, मर गया तो मेरी आत्मा उसका पीछा करेगी, क्योंकि मैं उस पर मरता हूँ, उससे मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करा। अबे शादी के बच्चे, चंदर चंदर चल। अरे हाथ छोड़, क्या कर रहा बदतमीज, काट लिया। खैर तुझे मैं दो दिन अंदर बंद करके रखूंगा तो तेरे होश ठिकाने में आ जाएंगे। तुम कब आई? बस अभी अभी। इतनी देर से मैं जो कुछ बोल रहा था तुम सुन रही थी? नहीं। हाँ? नहीं। अच्छा अच्छा कैसे आना हुआ? तुमने कहा था अगर मैं आना चाहूँ तो आ सकती हूँ, तो मैं आ गई। अच्छा अच्छा बैठो 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 ना। हाँ, बैठो। कुछ ठंडा या गरम? नो थैंक्स। लेकिन तुम काफी गुस्से में लग रहे हो। गुस्सा? ऐसी बातों पर मेरा खून खोलने लगता है। मेरी वजह से आप दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया ना? अरे नहीं नहीं तुम्हारी वजह से क्यों? तुम्हारी वजह से क्यों? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, ये मेरी ड्यूटी है। लेकिन वो तुम्हारा भाई। क्या हुआ मेरे भाई को? नहीं बातचीत से तो वो अच्छा आदमी लगता है। हाँ, अच्छा लगता है। उस दिन उसने तुम्हें किचन में गिरा दिया, देखो अब तक बदबू नहीं गई, और तुम कहती हो अच्छा लगता। लेकिन वो क्या भूल गई, उसने तुम्हें जान से मार देने की धमकी दी थी। चलो लेकिन मुझे एक बार मिल तो ले। अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत गर्म है, गुस्से में दांत चबा रहा है, अंदर जाओगी तो दांत से नाक चबा कर खा जाएगा। चलो लेकिन प्लीज एक बार मुझे मिल तो लेने दो। अरे भैया जेल क्या, आप मुझे उबलते हुए तेल में डलवा दो, फांसी चढ़वा दो, तलवार चलाकर एक ही वार में धड़ से अलग कर दो मेरे शरीर को, मगर फिर भी मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उसका पीछा करता रहूंगा, मर गया तो मेरी आत्मा उसका पीछा करेगी, क्योंकि मैं उस पर मरता हूँ, उससे मोहब्बत करता हूँ,
अरे कोई है? क्या बात है, आप किससे मिलना चाहती हैं? नमस्ते माँ जी। माँ जी? मैं माँ जी नहीं, इस घर की नौकरानी हूँ। ओ अच्छा, माँ जी कहाँ है? वो तो मंदिर गई है। मैं उनके लिए आम लाई हूँ, अपने बाग के। इतने मीठे हैं कि हफ्ता भर मुंह से मिठास नहीं जाता। माँ जी आएंगी तो मैं कह दूंगी। अच्छा, वो घर में है? वो कौन? उनका बेटा। वो तो पुलिस स्टेशन गए। वो नहीं, फिर वो तो उनका बड़ा बेटा है। उनका छोटा बेटा? छोटा बेटा? हाँ। मेम साहब, आप इसको किसका घर समझ के आई हैं? क्यों, ये इंस्पेक्टर सूरज का ही घर है ना? जी हाँ। तो उनका छोटा भाई घर में ही होगा। ना उनका कोई छोटा भाई है, ना उनका कोई बड़ा भाई, वो तो अपनी माँ के इकलौते बेटे हैं। क्या, इकलौते? जी। इकलौता? ये इंस्पेक्टर सूरज का ही घर है ना? जी हाँ। तुम्हें यकीन है? बिल्कुल। एक ही बेटा। हेलो, इंस्पेक्टर सूरज कपूरिया। आप थोड़ी देर के लिए मुझसे मिलने की जहमत करेंगे? मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। जरूर, क्यों नहीं। क्या बात है भाई, तुम्हारे चेहरे की ज्योग्राफी से काफी गंभीरता टपक रही है। मैं एक बात पूछती हूँ, सच सच बताना। मैं सच नहीं बोलता, बल्कि सच मुझे बोलता है, क्योंकि मैं पहले पैदा हुआ था और सच बाद में, इसलिए मेरे झूठ बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी कोई लड़की है जो तुम्हें चाहती हो, तुम्हारा हाथ थामने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे घूमती हो? अरे बहुत है, बहुत है, हिसाब लगाना मुश्किल है। ऐसी भी है जो तुमसे शादी करना चाहती हो? अरे बाप रे बाप, लाखों करोड़ों, मेरे सर पर इतने बाल नहीं होंगे जितनी लड़कियां खाल बनकर मुझसे चिपकना चाहती हैं। और तुम्हारा छोटा भाई? छोटा भाई क्या? ऐसी कोई लड़की है जो उसका हाथ थामना चाहती हो, उससे शादी करना चाहती हो? अरे वो लुच्चा लफंगा नालायक बदमाश, उससे शादी करके कौन सी लड़की बर्बादी का मंगलसूत्र अपने गले में डालना चाहेगी? हाँ? ओहो, कितनी दुख की बात है। क्या वो सारी जिंदगी अकेला ही गुजार देगा? उसका हाथ कोई नहीं थामेगा। अरे मगर तुमको उसकी इतनी चिंता क्यों होने लगी? मारो गोली उसको। कैसी बातें करते हो, आखिर वो तुम्हारा भाई है ना? अरे लेकिन उसकी किस्मत में यही लिखा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखो, उसे भटकने के लिए इस संसार में अकेला मत छोड़ो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाथ जोड़ती हूँ? हाँ। अरे तुम मुझसे मिलने आई हो या उसकी सिफारिश करने आई हो? मैं उसी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। आपने मुझे याद किया सर। हाँ, तुमने कितनी बड़ी गलती की है तुम्हें मालूम है? मैं समझा नहीं सर। तुमने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि कुछ लोग असली दूध की जगह नकली मिलावट वाला दूध बनाकर बेच रहे हैं और उसी के कारण बच्चों की मौत हुई। यस सर। तुम्हें मालूम है गलत रिपोर्ट लिखवाकर तुमने कुछ ऐसे लोगों के गिरेबान पर हाथ डालने की कोशिश की है जिनके हाथ बहुत लंबे हैं। मेरा काम गुनहगारों को तलाश करना है सर। गिरेबान किसका है, उसके हाथ कितने लंबे हैं, ये देखना मेरा काम नहीं है सर। हाँ, लेकिन ये देखना तो तुम्हारा काम है कि तुम जिन्हें मुजरिम साबित करना चाहते हो वो कौन लोग हैं। अगर वो इज्जतदार लोग निकले तो तुम्हारी वर्दी खतरे में पड़ सकती है। मेरी वर्दी नहीं सर, उन लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। एक बार सिर्फ उस दूध की लैब रिपोर्ट आ जाने दीजिए। लैब रिपोर्ट आ जाए तो क्या करोगे? उन इज्जतदारों की असली सूरत दुनिया को दिखाऊंगा। तो दिखा दो सूरत। ये लो, उस दूध के डिब्बे की लैब रिपोर्ट। लो खुद पढ़ लो। लेबोरेटरी का कहना है कि उस दूध में कोई खराबी नहीं थी, वो बिल्कुल असली और प्योर दूध था। ये झूठ है सर, ये मिली भगत है, इस लैब को खरीदा गया है। तुम फिर गलती कर रहे हो, बिना सबूत के लोगों पर कीचड़ उछाल रहे हो। मैं कीचड़ नहीं उछाल रहा हूँ सर, मैं सच कह रहा हूँ। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा प्लान है,
वरना मैं जब जीप में दूध के डिब्बे लेकर आ रहा था तो मुझ पर हमला क्यों किया गया? बॉम्ब मारकर जीप को ब्लास्ट किसने किया? दूध के डिब्बे छीनने की कोशिश क्यों की गई? इससे साफ जाहिर होता है सर कि कुछ लोग ये नहीं चाहते कि वो बनावट और जहरीला दूध सरकारी हाथों तक पहुंचे। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि तुम जो कह रहे हो सच कह रहे हो, लेकिन अदालत और कानून इस बात को नहीं मानेंगे। उन्हें ठोस सबूत चाहिए, और तुम जानते हो कि सबूत के बिना कानून अपने फैसले नहीं सुनाया करता। ठीक है सर, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दीजिए, मैं सबूत भी ढूंढ कर ले आऊंगा। आई एम सॉरी सूरज, मोहलत देना अब मेरे बस में नहीं है, क्योंकि तुम्हारा इस शहर से तबादला हो गया है। तबादला? क्यों? पता नहीं, जब लोगों की तरक्की होती है तब उनका तबादला होता है, और कुछ लोगों का तबादला इसलिए किया जाता है कि उनकी ड्यूटी कुछ बड़े लोगों के रास्ते में रुकावटें पैदा करती है। मेरी ड्यूटी भी शायद किसी बड़े आदमी के रास्ते में रुकावट पैदा कर रही हो। भगवान उस बड़े आदमी का भला करे जिसने तुम्हारा तबादला करवा दिया। क्या मतलब, तुम मेरे तबादले से खुश हो? बहुत। मैं तो पिताजी से कहकर खुद तुम्हारा तबादला पूना में करवाना चाहती थी। क्यों? सिर्फ अपने एग्जाम्स खत्म होने के इंतजार में थी। क्यों? क्योंकि मेरा घर भी वही है। राजू, मिस्टर सूरज कपूर। यस सर। कल से ड्यूटी रिज्यूम कर रहे हो? यस सर। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो, तुमसे जरूरी काम है, जरा फौरन शराबत खाने पे चले आओ। अच्छी बात, आते वक्त तो बुद्धूराम के उस बुद्धू बाप न्याय शर्मा को भी साथ लेते आना। लेता आऊंगा। सुनो, ये अर्जेंट मीटिंग बुलाने की वजह? भाई, मेरी बेटी मेरे पूरे हार्ट का प्रोग्राम बना कर आई, कहती उसी से प्यार करूंगी, उसी से शादी करूंगी। तो जिससे प्यार करती है उससे शादी करने दीजिए ना, आप बीच में टांग लाने वाले कौन होते? अपनी टांग हटा लेंगे बीच में से। उल्लू का बच्चा वो है कौन? मेरी बेटी। आपकी बेटी? आपकी बेटी? पिताजी, आपने तो कहा था वो मेरे से प्यार करती है, फिर वो किसी और से प्यार कैसे कर रही है? चुप कर जा बच्चे। अरे बार बार मेरा नाम क्यों लेता है? अरे सुनो, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? है एक लड़का जिसकी शक्ल बिल्कुल ज्वाला सिंह से मिलती जुलती है। अरे बाप रे, ये ज्वाला सिंह का बच्चा कहाँ से आ गया? और शट अप, ज्वाला सिंह से सिर्फ शक्ल ही मिलती है ना? जल्दी बोलो, सिर्फ शक्ल ही मिलती है ना? मुझे लगता है ये उसी का बेटा है। तुम्हें कैसे मालूम? तुमने उस लड़के से उसके बाप के बारे में पूछा? पूछा, लेकिन वो सिर्फ अपनी माँ के बारे में बात करता है, बाप का जिक्र भी नहीं करना चाहता, और इस बात ने मेरे शक को और मजबूत कर दिया। अरे बेटा, क्या भाड़ में, ज्वाला सिंह तो जेल में ही है ना? हाँ, जेल में। चाचा जी, ये ज्वाला सिंह कौन है? ये जेल में क्यों है? इसका कोई फोटो बच्चे? अच्छा अच्छा, ज्वाला सिंह वही है ना जिसको रघुराज सिंह के खून के इल्जाम में आप लोगों ने जेल में फंसाया? तुझे किसने बताया बे? पिताजी ने 29 मार्च। ये देखिए, अरे अरे अबे न्याय शर्मा, ये क्या गोबर की औलाद पैदा की है तूने? छोड़ो इसे, ज्वाला सिंह के बेटे का क्या कर रहा है? अगर कहीं उसे अपने बाप की बेगुनाही का पता चल गया तो वो दोनों बाप बेटे मिलकर हम लोगों से बदला लेने की कोशिश करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सारी दुनिया जानती है कि हमारे दिलों में उस आजादी की सिपाही विजय रघुराज के लिए बहुत इज्जत है, बहुत मान है, इसीलिए मैंने अपनी बेटी का नाम विजया रखा है, तुमने अपने बेटे का नाम रघु बुद्धिराम रखा है, और तुमने अपने बेटे का नाम राज रखा है, और दुनिया हमारे इस प्यार और जज्बे की इज्जत की कदर करती है। इसलिए तो उसका नाम अपना बना लिया है, और उसकी तमाम जायदाद आप उसके पास नहीं है। चुप, लंगड़ा खबीस, बेटा गधा, बाप गधे का बाप। मुझे मालूम था तेरी जबान से बकवास निकलेगी, इसलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया। अरे भाई, लेकिन ये तो हम आपस की बात कर रहे हैं, ये ज्वाला सिंह सुन लेगा क्या? और फिर किसी को क्या मालूम कि ज्वाला सिंह जिंदा है या मर मरा गया है।